मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्थित घुटरी टोला अंतर्राज्यीय बोर्ड के पास कृषि उपज मंडी चेक पोस्ट के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया। बता दें कि व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एमसीबी कलेक्टर से शिकायत की। वहीं साधना न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद कृषि उपज मंडी का चेक पोस्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। विरोध और साधना न्यूज के खबर का असर हुआ और एक बार फिर ये जो है कृषि उपज मंडी का जो बैरियर लगा हुआ है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए कि ये जो बैरियर है। मैं इस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। घुटी टोला ये बॉर्डर कहलाता है और यहाँ पे चेक पोस्ट लगाया गया था। इसी चेक पोस्ट पर जो है कि व्यापारियों का आरोप है कि वो कृषि उपज मंडी के अधिकारी यहाँ पे जो है अवैध वसूली करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर अधिक भार पड़ता है। उसको लेकर के वो जो है कि पहले कृषि उपज मंडी गए, वहाँ बात की, वहाँ बात नहीं बना तो फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय जाने के बाद वो जो है कलेक्टर से शिकायत किए और उसके बाद आज ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो घुट्टी टोला पे जो बैरियर बना हुआ था, जहाँ पे अधिकारी कर्मचारी रह करके यहाँ चेक करते थे, जांच किया करते थे, तो वो पूरी तरह बंद हो चुका है। एक फट्टे से अभी इसको बंद किया गया है। 3 दिन से यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। इसकी जानकारी मिलने पर हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी न फाइल है, न रजिस्टर है, न कोई अधिकारी है, न कोई कर्मचारी है। इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि ये जो है कि फिर से चेक पोस्ट खुलता है या नहीं। लेकिन अभी आपको बता दूं कि ये आरोप लगने के बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शराफत अली, साधना न्यूज, मनेनगढ़। विरोध और साधना न्यूज के खबर का असर हुआ और एक बार फिर ये जो है कि कृषि उपज मंडी का जो बैरियर लगा हुआ है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए कि ये जो बैरियर है। मैं इस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। घुट्टी टोला ये बॉर्डर कहलाता है और यहाँ पे चेक पोस्ट लगाया गया था। इसी चेक पोस्ट पर जो है कि व्यापारियों